नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या दिक्कत है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मेरे पास एक टावर आया है जिसमें बेस तो बज रहा है, देखिए आपको सुनाई पड़ रहा होगा धमधम की आवाज़, लेकिन दोनों स्पीकर से कोई नहीं आवाज़ आ रही और सेट के अंदर से धुआं निकल रहा है। तो आइए दोस्तों, इसको खोल को देखते हैं कि इसके अंदर दिक्कत क्या है। सेट को हमने खोल लिया और आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये स्पीकर की एक आईसी 20-30 आईसी ये जला हुआ आपको दिख रहा होगा, कैमरे में दिख रहा होगा। तो इस वजह से, जलने की वजह से ही सेट के अंदर से धुआं आ रहा है। और दोनों नहीं स्पीकर तो आपको आईसी चेक करके दिखाते हैं और दोनों आईसी बदल के फिर सेट को चालू करके करते हैं। 20-30 आईसी को दोस्तों शील्ड वायर के सहारा पेस्ट और आयरन के थ्रू मैं इसको आईसी निकाल रहा हूँ, निकाल के नया लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 20-30 आईसी कितनी बुरी हालत में जल गई है। जल के देखिए, ये सफ़ेद सफ़ेद से चूना टाइप का निकल गया है। तो इसमें ये है कि 20-30 अगर एक जलती है ना, तो दोनों इसको दोनों आईसी को बदल देना चाहिए। नहीं तो एक आपने बदला, थोड़े देर बाद या कुछ दिनों बाद, एक दो दिन बाद दूसरी भी ख़राब हो जाती है। देखिए ट्रैक भी इसका प्रिंट भी जला है, देख लीजिए, और सगर देख लीजिए, बोर्ड में कहीं भी नहीं जला है और प्रिंट यहाँ बस जला है। तो इसको जो मोशर टाइप के जल के हो गया है, तो इसको भी स्क्रैच खरोच करके और पेट्रोल या थिनर से इसको साफ़ कर लीजिए। मैं साफ़ करता हूँ, जैसे पेचकस, नुकीला पेचकस लाइनर या चिमटी से आप खरोच के इसको कार्बन जो बैठ गया है ना, नहीं तो ये लगाएंगे तो ये शॉर्ट हो सकता है आपका दोबारा से। तो इसको खरोच के और पेट्रोल से इसको साफ़ कर दीजिए। ये देखिए, मैंने इसको पेट्रोल से क्लीन कर दिया। अभी आईसी लगाता हूँ और हीट सिंक में भी जो मॉइस्चर लगा था उसको भी मैंने क्लीन कर दिया। दोस्तों ये 20-30 दो आईसी मैं लगा रहा हूँ, ये पुरानी ख़राब वाली दो आईसी है और इसमें कंपाउंड आप ज़रूर लगाइए, इससे हीटिंग कम होती है और आईसी ख़राब होने, जलने का चांसेस ना के बराबर होता है। अगर 20-30 नहीं है दोस्तों तो आप दोनों 20-50 भी लगा सकते हैं। ये मैं कंपाउंड लगा रहा हूँ ताकि हीटिंग को रोक सके। आईसी अपना, ये दोनों आईसी पे कंपाउंड लगा दिया है मैंने, अभी आईसी टावर के अंदर लगा के और सोल्डिंग करके आपको बजा के दिखाते हैं। ये मैंने सोल्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए मेरा दोनों आईसी करीब करीब सोल्ड हो गया। अब इसको पेट्रोल से क्लीन कर दिया, ये अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिए और इसके बाद पेचकस या चिमटी लेके ना इनके पिनों को थोड़ा साफ़ कर लीजिए, कोई सोल्डिंग या शॉर्टिंग वगैरह ना हो। ये मैंने पांचों पिनों को साफ़ कर दिया। ये पेट्रोल से वाश करके मैं अब इसकी ढक्कन को बंद कर रहा हूँ दोस्तों, बैक कवर को। इसकी मेन लीड मैं लगाया दोस्तों, इधर दिखाइए, Play by USB drive. बास ट्रबल बजने लगा, ये देखिए। अभी मैंने इसका अभी बैक कवर के सारे पेज कसा नहीं है, लेकिन आवाज़ आपको दिखा देता हूँ, इसलिए थोड़ा सा एक कम कम आवाज़ आएगा। दोस्तों हम अरे यार का दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।